सेकंड, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. आप सबको पता है डेली बेसिस पर हाउस होल्ड से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है. तो किस तरह से उस गार्बेज को हमें क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए. मेनली आप सभी को पता है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो दो टाइप का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल. मेनली हमारी प्रॉब्लम जो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल को लेकर ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हमें दोनों को किस तरह से मैनेज करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. बायोडिग्रेडेबल का मतलब है ऐसे वेस्ट मटेरियल जिसको बैक्टीरिया या वायरस क्या करें, डिकम्पोज कर दें और वापस मिट्टी में मिक्स कर दें सॉइल में, ताकि वो एक मैनुअल की तरह फंक्शन शो करें एंड ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करें. तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बायोडिग्रेडेबल. और ये जहां बैक्टीरिया और फंगस की बात करें उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिकम्पोजर्स. दूसरी तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसी वेस्ट मटेरियल जिनको बैक्टीरिया या वायरस क्या, सॉरी बैक्टीरिया एंड फंगस क्या नहीं कर सकती, डिकम्पोज नहीं कर सकती, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो मेनली इसको 4 या 5 स्टेप में हमने क्या किया है, मैनेज करने की कोशिश की है, वही हमें स्टडी करना है. मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. हाउस होल्ड वेस्ट दो टाइप का होता है गार्बेज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डिकम्पोज कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, बैक्टीरिया फंगस, ठीक है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ वेस्ट डिकम्पोजल आर रिसाइक्लिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसिनरेशन, लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट. 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है. फर्स्ट है रिसाइक्लिंग, जो वेस्ट मटेरियल को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर सकते हैं, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, उसको मेल्ट कीजिए इंडस्ट्रीज में, ऐसी इंडस्ट्रीज में हमें पहुंचा देना चाहिए जो कि उन्हें मेल्ट करें एंड रीमोल्ड में उसको कन्वर्ट करें एंड अगेन मार्केट में क्या करें, प्रोडक्ट के फॉर्म में सेल करें. तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिसाइक्लिंग, जैसे पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स, इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीजों को अलग कर देना चाहिए, यहां तक कि ग्लास भी, ठीक है. उनको मेल्ट किया जाएगा सबसे पहले, देन रिमोल्ड पर्टिकुलर डिफरेंट, उसको एक शेप कुछ देते, देन उसको न्यू आर्टिकल के फॉर्म में मार्केट में क्या कर सकते हैं, इजिली सेल कर सकते हैं. तो इस तरह से हम कुछ जो नॉन डिग्रेडेबल पार्ट भी है उसको भी क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकिल के फॉर्म में वेस्ट होने से बचा सकते हैं. नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट. जितने भी फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड आपके फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनके थ्रू जो भी पील किए हुए हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो कंपोस्ट का काम करते हैं, मैनुअल का काम करते हैं. रीजन बिहाइंड, क्योंकि डिकम्पोजर उन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं. उसी के लिए टर्म है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, मतलब बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे कि फूड, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, लीव्स ऑफ द पॉटेड प्लांट्स, इन सबको हम क्या करते हैं, कन्वर्टेड इंटू कम्पोस्ट, मैनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं. बर्निंग इन अ पिट डिग, बड़ा सा गड्ढा खोदें, उसमें इसको डंप करें एंड दोबारा उस पर मिट्टी डाल दें. तो एक टाइम आएगा कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एक मैनुअल में कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन वहां प्लांटेशन करेंगे तो प्लांट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स इजिली मिलेंगे और वो ग्रोथ करेंगे. तो इस तरह से हम कंपोस्ट बना सकते हैं. नेक्स्ट है इंसिनरेशन. इंसिनरेशन कहा जाता है जहां पर हम हाई टेम्परेचर देके बहुत सारे बड़े से वेस्ट को क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल ऐश में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंसिनरेशन, ठीक है. यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है. देखिए, रिड्यूसिंग टू ऐश लार्ज अमाउंट का जो वेस्ट है जो कि हम डंप नहीं कर सकते, कंपोस्ट नहीं बना सकते, रीयूज नहीं कर सकते, रीसाइक्लिंग नहीं कर सकते, उनको क्या कर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर पर बर्न कर दिया जाता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्मॉल ऐश में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन उसको वापस अर्थ में डिक कर दिया जाता है. लैंडफिल. लैंडफिल का मतलब वही है, जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें डंप कर दिया जाता है एंड देन अगेन उस पर अर्थ की, मतलब सॉइल की लेयर्स बना दी जाती हैं और वो एक तरह से हमारे लिए गार्डन के फॉर्म में, पार्क के फॉर्म में बहुत अच्छा फंक्शन शो करता है. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इन अ लो लेइंग एरिया ऑफ ग्राउंड एंड कवरिंग इट विथ अर्थ, दोबारा से अर्थ के फॉर्म में, किसी फॉर्म में उसको हम इजिली यूज कर सकते हैं. लास्ट है सीवेज ट्रीटमेंट.
आप सबको पता है बहुत सारा वाटर वेस्ट होता है ह्यूमन के थ्रू या अदर बहुत सारी चीजों के थ्रू, तो वो जो यूरिन एंड फिसेज है वो एक अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू एक बॉक्स में इकट्ठा कर दिया जाता है, वहीं पर उस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट से मतलब है कि वहां पर बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं जो उसमें रिएक्शन शो करते हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट वाटर है मतलब जो हमारे लिए क्लीन वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन उन वाटर को वापस रिवर में और उसमें सी में छोड़ दिया जाता है और वेस्ट मटेरियल से जो भी हम कर सकते हैं और चीज उसको उसी तरह से यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पर जो सीवेज ट्रीटमेंट है, ऑल दो सीवेज ट्रीटमेंट दो टाइप से होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम सेडिमेंटेशन करते हैं, सेकेंडरी में हम बायोलॉजिकली उसको ट्रीट कराते हैं ताकि वहां पर जितनी भी गैसेस बननी है बनके वो अलग से रिमूव हो जाए और वाटर को क्लीन करके फिर उसको हम आगे पास ऑन करते हैं। देखिए, डर्टी ड्रेनेज वाटर कंटेनिंग यूरिन एंड फिसेज, ऐसा वाटर जिसके अंदर हमारे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू एक सीवेज ट्रीटमेंट के लिए उसका यूज किया जाता है। सीवेज क्या है? एक डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर हम जो बायोडिग्रेडेबल पार्ट है उसको भी डाइजेस्ट कराते हैं, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, इसलिए कहा डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टर्स, डाइजेस्टर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू प्रोड्यूस सीवेज गैस एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, जैसे कि हम बायोगैस का यूज करते हैं जैसे कि मिथेन, बायोगैस से मिथेन बनती है और उस मिथेन को बर्निंग में उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी गार्बेज है वेस्ट मटेरियल है उसको इस फाइव स्टेप के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो कैसा रहे, क्लीन रह सके। थैंक यू एवरीवन।